होगा और उस बेचारे डॉक्टर की नौकरी तक जा सकती है। इसी प्रकार राजनेता भी इस बारे में बात नहीं करेंगे खुल के, क्योंकि इससे उनको खिलाफ जनता जाएगी कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकते। सभी दोस्तों का एमपी अपडेट्स में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस का जो तांडव मचा हुआ है और इस तांडव में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का जो हुआ है ये कितना सच है कितना झूठ है, और वर्तमान स्थिति में कोरोना का हम सिर्फ 5 पॉइंट में विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण के बाद निश्चित तौर पर आपकी इस कोरोना महामारी के प्रति आपका सोच और नज़रिया जरूर बदलेगा। तो हमने जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपकी जेब से कुछ जाता नहीं, तो आप लाल वाले नीचे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो वर्तमान में कोरोना को लेकर चल रहे अलग अलग आंकड़ों नतीजों और अलग अलग विश्लेषणों के बीच में हमारा जो 5 पॉइंट का विश्लेषण है उसमें हमारा पहला पॉइंट है कि वैक्सीन देश के अंदर वैक्सीन बन रही है और वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो रहा है, तो फिर भी ये कोरोना का तांडव क्यों, तो वैक्सीन का क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। तो आपको बता दें वैक्सीनेशन का बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। अब तक देश में 0.7% लोगों को फुल डोज दोनों डोज दी जा चुकी हैं वैक्सीन की, यानी कि 1,02,40,000 लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं और लगभग 4.8% लोग यानी 6,58,10,000 के आसपास लोगों को सिंगल डोज मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर ये 5% के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। तो इसमें राहत की बात ये है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों में कोरोना पॉजिटिव का ट्रेंड नहीं चला है। कोई इक्का दुक्का 0.01% केस हैं जो वैक्सीन की एक या दोनों डोज लगने के बाद भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन उनकी रिकवरी भी बहुत तेजी से वापस हो गई, यानी कि ये तय हो चुका है कि वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ रही है और वैक्सीन लगे हुए लोगों को कोरोना से लड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। तो वैक्सीनेशन का बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाएगी और हमें इससे राहत मिलेगी कोरोना से। दूसरा पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीजन की कमी का पंगा चल रहा है इसकी हकीकत क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोरोना नया नया आया था तो डॉक्टर इसके अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये भी एक प्रकार का फ्लू है तो दूसरे फ्लू की तरह इसका भी अलग अलग तरीकों से इलाज कर रहे थे, अलग अलग दवाओं के कॉम्बिनेशन दे रहे थे। तो डॉक्टर्स को पता चला कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम के ड्रग से इसमें मरीजों को फायदा हुआ और एक मेडिकल जर्नल में ये आर्टिकल छपा कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन इसमें कारगर है। ये यूरोप की मैगजीन में छपा था। उसके बाद से हाइड्रोक्लोरोक्वीन खरीदने की ऐसी होड़ मची सभी देशों में कि चंद घंटों में ही दुनिया भर से हाइड्रोक्लोरोक्वीन के स्टॉक खत्म हो गए और हिंदुस्तान ने भी बहुत सारी हाइड्रोक्लोरोक्वीन पश्चिम के देशों को एक्सपोर्ट की थी। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन कोरोना का कोई इलाज नहीं थी, वो सिर्फ एक फैशन के तौर पर आई थी। एक डॉक्टर ने स्टेटमेंट दी कि उसका मरीज इस तरह से ठीक हो गया तो सभी डॉक्टरों ने उसको अपना लिया। जिस तरह से गारमेंट्स में और खाने पीने में फैशन चलता है उसी प्रकार से इलाज में भी एक फैशन चलता है। कोई दवा कभी पॉपुलर हो जाती है किसी खास इलाज के लिए तो सारे डॉक्टर उसी ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, जिस तरह से हाइड्रोक्लोरोक्वीन के मामले में हुआ था। और आपको याद हो तो मैं बता दूं कि आज से 10 साल पहले आपने प्लेटलेट डाउन होने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना होगा, लेकिन फिर एक फैशन आया कि प्लेटलेट काउंट्स के मुद्दे को हर डॉक्टर मरीज को बताने लगा कि आपकी प्लेटलेट काउंट्स कम है और आप इनका इलाज कराओ या इनके लिए दवा लो। तो उसके बाद से ये प्लेटलेट्स वाला हुआ बन गया, इतना बड़ा हुआ बन गया कि बहुत से मुजरिम प्लेटलेट्स की काउंट कम होने के कारण जमानत लेकर विदेशों में इलाज के बहाने भी भाग गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इसका उदाहरण है। तो वैसे अगर आप प्लेटलेट्स के बारे में नहीं जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, जिस तरह से सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसी तरह उनसे आकार में छोटी कोशिका होती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज जो करती है बॉडी में कोशिका, इसकी क्षमता को काउंट करने को प्लेटलेट काउंट कहा जाता है। और ये हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसको उजागर किया गया। और आपने देखा होगा जब भी डेंगू मलेरिया का सीजन आता है तो अस्पतालों के बाहर कीवी नाम का फल और नारियल का पानी बिकने लग जाता है, लोगों में प्लेटलेट का एक खौफ और दहशत सा माहौल रहता है कि मरीज की प्लेटलेट डाउन होगी, अब क्या होगा क्या होगा, जबकि ये पहले भी डाउन होती थी लेकिन इसको फैशन में नहीं लाया गया था। फिर इसको जब फैशन में लाया गया तो प्लेटलेट डाउन होना एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना ही होगा। इसी तरह से जब हाइड्रोक्लोरोक्वीन और प्लेटलेट का मुद्दा बन सकता है, उसी तरह से मरीज को ऑक्सीजन लगाने, जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था और मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए जो क्वारंटाइन कैंप बनाए गए थे, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हो कि इन कैंप्स में
किसी भी बिस्तर के पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। मरीज जा रहे थे पिछली बार जब वेव आई थी तब, और उनको ये जो ड्रग्स दी जा रही थी फ्लू से लड़ने वाली, और उनको एक बिस्तर अलग से दे दिया जाता था, किसी के पास कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। क्योंकि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं आने वाली सांस लेने वेने में। अगर आप पहले से ही HIV कैंसर या किसी दमा वगैरह या किसी अन्य रोग के पीड़ित हो तो आपको इसमें तकलीफ आ सकती है। और उसी बंदे को वेंटिलेटर पर पिछली बार ले जाया गया था। हर बंदे को ऑक्सीजन लगाने का ट्रेंड साबित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जिस बंदे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है कोरोना की, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना एक प्रकार का अनिवार्य से हो गया है। अगर अब मैं मेरी कहूँ तो, अगर मेरा भी कोई दोस्त जानकार या खुद मैं अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और हॉस्पिटल जाऊँ, तो मेरी डिमांड यही होगी कि सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाए। तो उस तरह से सभी की डिमांड भी यही होगी। और कोई भी डॉक्टर मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर ये कह नहीं सकता कि ये सिलेंडर वाला मसला फेक मतलब एक प्रकार से हवा क्रिएट किया हुआ है, जबकि हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ और उस बेचारे डॉक्टर की नौकरी तक जा सकती है। इसी प्रकार राजनेता भी इस बारे में बात नहीं करेंगे खुल के, क्योंकि इससे उनको खिलाफ जनता जाएगी कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकते, इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इसको एक प्रकार का फैशन के तौर पर अपनाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जो दूसरी बीमारियों से सफर कर रहे हैं लोग और उनको ये फ्लू हुआ है तो उनको निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन एक स्वस्थ बंदे को अगर कोरोना हो गया है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इलाज के फैशन के तौर पर लोगों को दमादम ऑक्सीजन लगाई जा रही है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने भी मजे लेते हुए हमारे देश का मजाक उड़ाते हुए ऑफर किया है कि उनकी वो ऑक्सीजन सप्लाई करने को तैयार है, जबकि उनकी औकात आपको पता है कि हकीकत में वो क्या कर सकते हैं। तो फिर हमारा अगला पॉइंट है कि फिर इस कोरोना को सीरियस लिया जाए या नहीं। तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि बिल्कुल सीरियस लिया जाए, कोरोना पॉजिटिव होने से बचो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आप भी इसी इलाज के सिस्टम में और इसी पूरे चक्कर में फंस जाओगे। यही कोरोना की जांच, सिलेंडर, क्वारंटाइन और मरीज परिवार वालों से दूर आपको एडमिट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, मतलब इसी आप चक्कर में घुस जाओगे पॉजिटिव होते ही, और आपको भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा जो फिलहाल आम जनता गुजर रही है, सिलेंडरों के लिए मारामारी करती फिर रही है। तो हो सके अपना पूरा जोर लगाओ और इस कोरोना से बचो, ताकि आप भी इस चक्कर में फंसकर जलील होने से और अपनी जान गंवाने से बचें। तो जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ये हवा बिल्कुल फेक है। पिछली बार जो लहर आई थी, अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन लगाना इतना ही जरूरी होता तो उस बार भी हर बिस्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती और अगली लहर से पहले इतनी ऑक्सीजन का स्टॉक किया जाता कि आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के अलग अलग इलाज फैशन में आते रहे हैं, इसी तरह से हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि हर कोरोना पॉजिटिव को ऑक्सीजन लगनी चाहिए। जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है वो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देता है कि मेरा दोस्त या मेरा घरवाला बीमार है और इसको देखो डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं फला फला फला, और उसका आउटरीच क्रिएट हो जाता है। तो जो बंदे जिनको सच में ऑक्सीजन चाहिए उन बेचारों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, क्योंकि हर बंदे को जो भी इसे पॉजिटिव हो रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी डॉक्टर इसके खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई भी राजनेता इसके खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ बोलना खुद को एक प्रकार से जलते कोयले पर चलाना जैसा है। कोई भी अपना स्टेटस खराब नहीं करना चाहेगा, कोई डॉक्टर इस बारे में बोलकर अपनी साख खराब नहीं करेगा, कोई राजनेता इस बारे में बोलकर अपनी साख खराब नहीं करेगा, क्योंकि जनता कहेगी कि खुद तो कुछ कर नहीं सकते तो अब उल्टा मरीजों पर ही ऑक्सीजन जबरदस्ती लगवाने का इल्जाम लगाने लग गए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑक्सीजन का ये हवा है, रियलिटी में हर कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी जानकारी जुटाई, जो अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पे और जो मेडिकल के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी, उनके आधार पर ये नतीजा निकाला है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो अगर आपके इस बारे में जो राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मुझे गलत हूँ तो गलत साबित कीजिए, और सही हूँ तो अपनी राय भी मुझे दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करके इस